हेलो फ्रेंड्स, माय डिश माय तड़का की तरफ से आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा टमाटर। ये देखिए, जिसके लिए हमने आधा के जी टमाटर लिए हैं और उनको अच्छे से धो लिया है। और भरवा टमाटर बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए इस प्रकार से है। दो प्याज जिनको काट लिया है, एक हरी मिर्च टुकड़ों में काट लिया है, आधा नींबू इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, और 8-10 कलियाँ लहसुन की, और ये देखिए राई और मेथी है थोड़ी, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी हींग डालेंगे, और सरसों का तेल काम में लेंगे। दोस्तों देखिए, ये देखिए गैस ऑन कर दिया है और इस पर पैन रखेंगे, थोड़ा तेल डालेंगे, अच्छे से गरम करेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले हींग डालेंगे और राई मेथी को थोड़ा सी इस प्रकार से डालेंगे, ये देखिए, और इसके बाद हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, ये देखिए इनको फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम है जो मीडियम रखेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हल्दी डालेंगे इसमें और लाल मिर्च, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा मसाला बनेगा दोस्तों। ये देखिए भरवा टमाटर में नींबू डालेंगे और इसमें इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए गैस बंद कर देंगे। ये देखिए 5-7 मिनट के लिए इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, लहसुन और प्याज और मसाले को दरदरा पीस लिया है। अब भरने के लिए टमाटर तैयार करेंगे, ऊपर का हार्ड भाग है इसको हटा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से, पूरा नहीं काटेंगे, इसको 4 हिस्सों में दिखाएंगे ताकि इसमें जो मसाला है तो आसानी से भरा जा सके। ये देखिए इस प्रकार से एक एक करके इनको सबको ऊपर का जो हार्ड भाग है हटा देंगे और उसके ऊपर के 4 भाग करके रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी टमाटरों में इस प्रकार से चार चार कट लगा लिए हैं। अब इनमें एक एक करके मसाला भरेंगे। देखिए इस प्रकार से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले में। ये देखिए बहुत ही अच्छे भरवा टमाटर बनेंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी टमाटरों में इस प्रकार से चम्मच से आसानी से मसाला भर लेंगे और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी दोस्तों। ये देखिए एक बार दोबारा गैस ऑन कर दिया है और पैन रखेंगे, थोड़ा तेल और डालेंगे, इसको भी अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो चुका है सर, थोड़ी हींग डालेंगे और अब इसमें एक एक करके टमाटर डालेंगे। देखिए इस प्रकार से सभी को एक एक करके डाल देंगे, सभी को एक एक करके डाल दिया है। अब धीरे धीरे पलटेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी दोस्तों। देखिए इस प्रकार से, देखिए 2-3 मिनट के लिए इसको ढकेंगे। देखिए ढक्कन हटा कर देखते हैं। अब इनको एक एक करके पलटेंगे, दूसरी साइड से भी पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, भरमा टमाटर है जो बनकर तैयार है। 1-2 मिनट के लिए और चलाएंगे गैस को, और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी दोस्तों। इस प्रकार से आप भी अपनी किचन में आसानी से इसे बना सकते हैं।
देखिए इसका छिलका है तो बहुत ही नरम हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, 1 मिनट के लिए ढकेंगे, बस बनकर तैयार है, ताकि छिलका जो अच्छे से गल जाए। ये देखिए ढक्कन हटाकर देखते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही दोस्तों, अच्छे बरमा टमाटर बनकर तैयार हैं। आप गैस बंद कर देंगे, ये देखिए दोस्तों छिलका जो अलग होने लगा है, पककर तैयार है, टमाटर टमाटर बनकर तैयार है दोस्तों। आप गैस बंद कर देंगे, ये देखिए दोस्तों अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी दोस्तों, आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बर्मा टमाटर रेसिपी तैयार है, अब आप इसे रोटी पूड़ी परांठे के साथ में खा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बर्मा टमाटर बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं, ताकि अगली जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अच्छा, धन्यवाद।